एचएल टीवी न्यूज। मुंबई के लुकेरा ज्वेलरी शोरूम में फिल्म इश्क फॉरएवर का ट्रेलर लॉन्च किया गया एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, जहां पर फिल्म से जुड़ी हुई टीम और स्टार कास्ट आई नजर। 19 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म इश्क फॉरएवर। फिल्म के डायरेक्टर समीर सिप्पी हैं, एक्टर जावेद जाफरी, कृष्णा चतुर्वेदी और एक्ट्रेस लीजा रे रूही सिंह फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है। रूही सिंह इससे पहले मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में नजर आ चुकी हैं। एक्टर कृष्णा चतुर्वेदी ने बताया कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है बॉलीवुड में और जावेद सर और लीजा मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। जावेद ने बताया कि वो और लीजा रॉ एजेंट के रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये रोमांटिक और थ्रिलर फिल्म है और भी थोड़ा बहुत मसाला है। लीजा ने बताया कि रो एजेंट का किरदार निभाने के लिए उन्होंने रिटायर रो एजेंट से ट्रेनिंग लिया है और उनका ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। माया हमारे ब्रांड पार्टनर है और हमारा प्रमोशन अभी स्टार्ट हुआ है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू प्रमोट आवर मूवी फॉरएवर एंड यस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द कलेक्शन ऑफ माया। So, I'm looking forward to it and very excited to meet you guys and promote our movie through this. ये भी कहना चाहूँगा कि लीजा रे और जावेद जाफरी भी एक्सपेक्टेड हैं यहाँ, तो लीजा रे और जावेद जाफरी इतना वेटरन में लेते हैं जैसे काम किया इंडस्ट्री में, किस तरह से मेंटरशिप किया आपको, किस तरह से गाइड किया? बहुत ही सीनियर है मेरे, मैं हमेशा से उनको एडमायर करता रहा हूँ। जावेद सर को मैं बचपन से देखता रहा हूँ, तो उनके साथ काम करने की एक एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर तो, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो थोड़ा नर्वस भी था कि इतने सीनियर हैं एंड बट ही वॉज़ वेरी नाइस और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया एंड इट वॉज आई डेंट फील लाइक आई एम वर्किंग विद समवन, लाइक आई फील लाइक कि बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और बहुत ही मज़ा आया शूट करने में। और इवन लीजा रे जी वो भी आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस वेरी लॉन्ग, शी यूज़ टू बी अ मॉडल, उनके गाने हम लोग देखते थे आफरी आफरी, तो उनके साथ भी काम करने का बहुत एक्साइटमेंट था एंड शी इज़ अ यू नो कैंसर सर्वाइवर, सो बहुत ही इंस्पिरेशनल है मेरे लिए और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था सेट पे उन लोगों की वजह से, क्योंकि दे वर रियली फ्रेंडली एंड रियली नाइस। और ये भी जानना चाहूँगा आपकी जो को स्टार है वो मधुर भंडारकर के डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी है, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में उसके साथ इनके साथ क्वेश्चन कहता था आपका? लोग कहते हैं कि क्या इट्स अ रोम कॉम है क्या आजकल वर्ड्स हो गए, तो इसका एक नया फ्रेज मैंने किया है रोम एडवेंचर, यानी कि एक रोमांटिक एडवेंचर है। कहानी में एक नयापन ये है कि एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की 18 साल की है, साउथ अफ्रीका में पढ़ती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, 12th के बाद हॉलीडे पे जाना चाहती है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सडनली उसके जो फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। अब सडनली सिक्योरिटी आ गई है, थ्रेट्स हैं वगैरह वगैरह, और उससे एकदम लगता है कि एकदम मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, बंदिश दोस्तों से नहीं मिल पा रही है, किसी से खुल के बाहर नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए टेररिस्ट थ्रेट्स भी है, तो दो एजेंट्स भेजे जाते हैं और अलग अलग आते हैं वो लोग, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो एजेंट एक है लीजा रे, एक हूँ मैं, और हम एक्चुअली 7 साल पहले डिवोर्स हो चुके हैं, हम एक दूसरे से मिले नहीं और अब सडनली इस मिशन में साथ में आए और हम अब एकदम एक तरीके से टोटली फ्लैबरगास्टेड भी हैं, मतलब ये हद हो गई यार इसके साथ कहाँ चिपका दिया मुझे, तो वो एक फीलिंग है। तो ये जो एक कपल पीछे चल रहा है और फिर वो लड़की भाग जाती है एक जवान लड़के के साथ और वहाँ पे वो अपने जहाँ पे उसको जाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे टेररिस्ट हैं, हम दोनों पीछे चेस कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी कहानी है बीच में लीजा की और मेरी, हमारा जो एक पास्ट है हमारा माजी है और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप रहा था और अब क्या हो रहा है, तो ये सारे लेके एक एडवेंचर एक कहानी है साउथ अफ्रीका में। So Ishq Forever is, I call my bounce back film because of course I've been working abroad, but I'm very excited. It was an amazing experience shooting in South Africa. Also working with Javed, my old friend. You're going to see me in a completely different role, of course, that nobody's ever seen me before in India. It's an action role. It's got a little bit of comedy as well, and the film is looking beautiful, so we're really excited. You know, Javed has a great sense of humor. Is such, do you want to share any experience on the set where he played a prankster kind of thing on the set? I think you can see how you know every single day he would come up with, oh, you know what, actually I should get Javed here. He started singing to me. He would say, Lizare,
Lisa Rae. You know, every single morning, I'd be getting my makeup done, and that's what I would hear. Okay. And he always put a smile on my face. So even though, on screen, we have a different dynamic. We got along very well off screen. So will people seeing more of you on the big screen as such? Any more projects, forthcoming projects, any future works after this movie? Yes, I have another film which is going to be coming out called Zehek. Okay. Going to be releasing later on this year as well. And I, like I said, I certainly hope that there's going to be a lot of other opportunities. So I'm really happy. आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।